लिटरली वही काफी दिनों के बाद में वही इस चैनल पे वीडियो बना रहा हूँ, वो भी काफी कॉमन टॉपिक बोबा के हर एक फ्यूजन्स के बारे में। तो फालतू के ना बक्के, तो वाला शुरू करते हैं बिना किसी उसके स्टेड्यूल। तो नंबर वन और सबसे पहला फ्यूजन बोबा का बोबा बॉय फ्रॉस्ट फायर, जो भाई बोबा बॉय ने किया था 15 साल की उम्र में बोबा बॉय मूवी 2 में रत्तका के अगेंस्ट। ये फ्यूजन बेसिकली बोबा बॉय ब्लेज और बोबा बॉय आइस के कॉम्बिनेशन से बना है। शरीर के एक तरफ से फायर को और शरीर के एक तरफ से आइस को कंट्रोल कर पाता है। अगर भाई हम लोग इसके स्किल के बारे में बात करें तो भाई इसके पास है काफी स्मूथ मार्शल आर्ट स्किल्स, और इसके पास भाई आइस के एबिलिटी से वेपन है एक तीर धनुष, और जब भाई तीर से धनुष निकलता है तब भाई तीर के साथ ही साथ आग भी निकलता है। और इसके पास भाई अलग से कोई इमोशन तो है नहीं, जब भाई सीरियस मोमेंट होता है तब भी सीरियस होता है, और जब भाई फन का मोमेंट होता है तब भी फन करता है। जैसे भाई देख लो बोबा बॉय मूवी 2 में बोबा बॉय काफी सीरियस था लास्ट फायर फ्यूजन में भी, पर बोबा बॉय मूवी 2 के बाद की कहानी बोबा बॉय गैलेक्सी सीजन 2 में बोबा बॉय काफी फन कर रहा था बोबा बॉय फ्रॉस्ट फायर में भी, बिकॉज भाई तब सिचुएशन भी काफी मूडी और फन करने वाला था। तो जो भी है वही मेरे मुताबिक इसका सबसे खतरनाक एबिलिटी है फ्रॉस्ट फायर का तीर धनुष। तो अब नंबर 2 सेकंड फ्यूजन ऑफ बोबा बॉय, वो है बोबा बॉय ग्लेशियर, जो वही बना है बोबा बॉय क्विक और आइस से। ग्लेशियर के आउटफिट वही काफी मोटे मोटे और बैगी है, इसलिए वही वो काफी स्पीड से दौड़ नहीं पाता, पर वही उसके पास 2 हाथों में है 2 हैंड ग्लव्स मिट्टी के बनाए हुए, जो वही एबिलिटी है अर्थ का, और वही उसके ऊपर बर्फ के टुकड़े भी है फ्रॉम द एबिलिटी ऑफ आइस, जिससे वही हिलाने पर आइस गिरता है। हिलाना मतलब हाथ हिलाने का बात कर रहा हूँ। और वही काफी हाई चांस है भविष्य में बोबा बॉय ग्लेशियर भी पत्थर के बो एंड एरो को ले आ पाए, बिकॉज वही बोबा बॉय ग्लेशियर में भी बोबा बॉय आइस है। तो जो भी भाई बोबा बॉय सुपर सॉरी रंबल और सोपन के बारे में जानने से पहले अगर वीडियो में थोड़ा भी इंटरेस्ट आ रहा है तो वही एक लाइक कर देना, और वही जान के रखो तुम्हारे एक लाइक करने से मैं और भी मोटिवेट हो जाऊंगा नए नए वीडियोस को बनाने के लिए। तो अब भाई बैक आते हैं मेन टॉपिक पे, बोबा बॉय ग्लेशियर के बारे में जो बातें कर रहे थे। बोबा बॉय ग्लेशियर वही अपने अर्थ के एबिलिटी से गोलम भी बना पाता है पत्थर के, और जिसमें आइस भी रहता है फ्रॉम द एबिलिटी ऑफ आइस। पर कुछ देर बाद भाई वो वाला गोलम पूरा ही बर्फ में जम जाता है, और वही गोलम के आसपास की चीजों को भी गोलम फ्रीज कर देता है। बोबा बॉय मूवी 2 में बोबा बॉय जो आइस गोलम को ले आया था वो वही काफी बड़ा था, और वही उससे भी बड़ा था बोबा बॉय मूवी 2 के बाद की कहानी बोबा बॉय गैलेक्सी सीजन 2 में बोबा बॉय ग्लेशियर के लिए आया हुआ गोलम, जो भाई लगभग 100 फुट का था। और वही मेरे मुताबिक इन फ्यूचर बोबा बॉय ग्लेशियर चाहेगा तो आइस का ड्रैगन गोलम आइस के और भी काफी सारे क्रिएचर्स बना पाएगा लाइक अर्थ। मेरे मुताबिक वही बोबा बॉय ग्लेशियर का सबसे खतरनाक एबिलिटी क्रिएचर बनाने वाला एबिलिटी है। तो अब भाई बातें करते हैं नंबर 3 बोबा बॉय का सबसे पावरफुल फ्यूजन अब तक का बोबा बॉय सुपरा, जो भाई रैंक नंबर 1 पावर बोबा बॉय सोलर और रैंक नंबर 2 पावर बोबा बॉय थंडरस्टॉर्म के मिश्रण से बना है। सोलर वही रोशनियों को कंट्रोल कर पाता है और सोलर सिस्टम को, और एक तरफ बोबा बॉय थंडरस्टॉर्म बिजलियों को कंट्रोल कर पाता है। सो वही कह सकते हो बोबा बॉय सोलर पर सेकंड इतना स्पीड से ट्रेवल कर पाता है, और बोबा बॉय थंडरस्टॉर्म पर सेकंड इतने स्पीड से ट्रेवल कर पाता है इतने दूरी तक। तो भाई दोनों के स्पीड को मिला के बनता है इतना स्पीड पर सेकंड पे, जो भाई लाइट के स्पीड से भी काफी गुना ज्यादा है। और एक वेपन में इसका नाम है सुपरा स्वॉर्ड, जो भाई थंडरस्टॉर्म के इस वाले स्वॉर्ड और सोलर के इस वाले स्वॉर्ड से मिलके बना है। और भाई बोबा बॉय सुपरा का सबसे खतरनाक एबिलिटी है फिर अटैक है सुपर सुपरा बीम, जो भाई सोलर बीम और थंडरस्टॉर्म के बिजलियों से बना है मिलावट के वजह से। और अगर बोबा बॉय अपने सुपरा पावर को ठीक से यूज करेगा तो वही बोबा बॉय सुपरा चाहेगा तो एक ही बीम से पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, पर वही बोबा बॉय के पास उतना फिजिकल स्ट्रेंथ कहाँ पे है भाई। तो जो भी वही मेरे मुताबिक बोबा बॉय सुपरा का सबसे खतरनाक एबिलिटी या फिर अटैक है बोबा बॉय सुपरा का सुपर सुपरा बीम ब्लास्ट करने वाला अटैक या फिर एबिलिटी। तो उसके बाद भाई बोबा बॉय सॉरी, तो भाई इसका पहली बार अपीयरेंस ही हुआ था बोबा बॉय गैलेक्सी सीजन 2 में, मतलब बोबा बॉय मूवी 2 के बाद की कहानी है बोबा बॉय गैलेक्सी सीजन 2 में। बेसिकली ये वाला फ्यूजन बना है बोबा बॉय की सबसे वीकेस्ट पावर थ्रोन से और सबसे खतरनाक पावर सोलर के कॉम्बिनेशन से। अब भाई तुम ये मत समझो कि भाई ये काफी कमजोर है बोबा बॉय थ्रोन के होने के वजह से, बिकॉज भाई इसके पास है सोलर, और भाई सोलर के वजह से बोबा बॉय थ्रोन में फोटोसिंथेसिस काम करता है, और भाई बोबा बॉय थ्रोन काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और भाई अल्टीमेटली बोबा बॉय सॉरी काफी स्ट्रॉन्ग एक फ्यूजन बनता है, जो भाई कॉमिक के यूनिवर्स में एक काफी बड़े सनफ्लावर मॉन्स्टर को ले आया था, और हमारे एनिमेशन के असली यूनिवर्स में मतलब पावर स्पेरा यूनिवर्स में एक काफी बड़े सनफ्लावर के थोड़े बहुत क्रिएचर टाइप के कुछ ले आया था, और अल्टीमेटली वही दोनों यूनिवर्स के ही क्रिएचर्स काफी खतरनाक सुपर सॉरी बीम प्रोड्यूस कर पाता है। अब भाई कहे तो भाई वेपन भी है एक, जो है कुछ इस टाइप का एक वेपन, क्या नाम है मैं भूल गया हूँ, पर वही से क्या
क्या कह लेते हैं तुम लोग कमेंट में कह देना। और भाई ये वाला वेपन बना है सोलर के वेपन इस वाले वेपन से और थ्रोन के कांटों वाले जड़ों से। और भाई मेरे मुताबिक वो भाई सॉरी को और भी काफी ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए था, इसलिए भाई मैं रिकमेंड करता हूँ निजम भाई को भाई की वो भाई मूवी 3 में वो भाई गैलेक्सी सीजन 3 में इसे फिर से ले आने के लिए। और अल्टीमेटली भाई इसका नाम बना है सॉरी, मतलब सॉरी हाँ भाई यही मतलब होता है कुछ इंग्लिश में, और भाई कुछ ऐसे ही मतलब होता है। अब भाई बना है कुछ ऐसे सोलर के मले नेम सोलर के सो से और थ्रोन के मले नेम डूरी के री से। और भाई मेरे मुताबिक वो भाई सॉरी का सबसे खतरनाक एबिलिटी है क्रिएचर बनाने वाला। अब भाई बातें करते हैं फिफ्थ फ्यूजन ऑफ वो बॉय गंतार या फिर रंबल। अनफॉर्चुनेटली वो बॉय गंतार काफी ज्यादा अनएक्टिव है विदाउट इलेक्ट्रिक एनर्जी। अगर भाई वो बॉय गंतार को बाहर से इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं मिलता है तो वो बॉय गंतार या फिर रंबल काफी ज्यादा वीक है या फिर कोई काम ही नहीं कर पाता, काफी अनएक्टिव है। बट बाई चांस अगर उसे कहीं से भी बाहर से इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल जाता है तो वही वो सुपरा को भी क्रॉस कर जाता है पावर के मामले में और एक्टिविटी के मामले में। और वो बॉय गंतार या फिर रंबल जब भाई एक्टिव होता है तब भाई उसके शरीर में काफी पावरफुल सिलेंडर एनर्जी काम करता है और इसलिए उसके शरीर के आसपास काफी खतरनाक लेवल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड काम करता है जो भाई आसपास के चीजों को बॉय की तरफ खींचता है। और भाई इसका वेपन गए तो भाई एक ही दिखाया गया है पूरे 2 एपिसोड्स को मिला के, मतलब भाई इसका स्क्रीन टाइम काफी हाई था भाई, एकदम से ही 3 एपिसोड्स मिलके इसका स्क्रीन टाइम मिला था। अगर भाई ऐसा स्क्रीन टाइम किसी और फ्यूजन को मिलता तो भाई वो फाड़ के रख देता भाई स्क्रीन को एकदम, पर उसके बाद भी वो गंतार या फिर रंबल कुछ नहीं कर पाया था 2 एपिसोड्स को मिला के भी। उसके पास में सिर्फ एक ही वेपन था, एक काफी बड़ा वॉल्केनिक रॉक से बना हुआ हथौड़ा जो भाई खतरनाक काफी था, पर भाई वो बॉय गंतार या फिर रंबल इसे यूज नहीं कर पाया था बिकॉज भाई वो बॉय गंतार या फिर रंबल दिमाग से काफी कमजोर था क्योंकि भाई उसके शरीर के अंदर या फिर उसके शरीर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी अनएक्टिव था या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी अनएक्टिव था। अल्टीमेटली कहे तो भाई वो बॉय गंतार या फिर रंबल बुरा ही सही, पर भाई सच है कि भाई बिना दिमाग का हल्क है जब भाई कुछ काम नहीं कर पाता विदाउट इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब जो भी हो भाई काफी सारे नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बातें कर चुका हूँ मैं, अब भाई बातें करते हैं वो बॉय गंतार या फिर रंबल के कुछ हाई पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। जैसे भाई वो बॉय गंतार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से या फिर एनर्जी से आसपास के लोहे लखर और अनवांटेड चीजों को मिला के अपने शरीर के आसपास काफी खतरनाक वॉल्यूम बना पाता है लोहे लखर का जो भी काफी भारी भरकम और खतरनाक होता है। और भाई उससे जो वोल्ट्रा अटैक वो बॉय ने किया था वो भी काफी खतरनाक था, वो भाई इस अटैक से भी काफी गुना हजार गुना ज्यादा खतरनाक था। तो भाई तुम लोग समझ चुके हो भाई कि वो बॉय गंतार या फिर रंबल कितना खतरनाक है। अल्टीमेटली भाई मेरे मुताबिक वो बॉय गंतार या फिर रंबल का हर एक अटैक सी काफी खतरनाक है। और भाई वो बॉय गंतार या फिर रंबल अगर इन सबको ठीक से यूज करना सीख जाएगा तो भाई वो बॉय गंतार या फिर रंबल सुपरा को भी बीट कर पाएगा। तो जो भी भाई लोग अब हम लोग बातें करते हैं वो बॉय के सबसे लेटेस्ट फ्यूजन वो बॉय सोफन के बारे में, साइक्लोन और सोलर के मिश्रण से। इसके इमोशन के बारे में अगर बातें करें तो भाई एक ही बात होगा, ही इज अ सिग्मा, बिकॉज भाई वो बॉय सोफन बिना बात के कभी लड़ता नहीं है और बिना बात के कभी झगड़ा नहीं करता है। पर भाई फाइटिंग का या फिर वॉर का या फिर युद्ध का सिचुएशन होने पर फाइटिंग करने के लिए उसे कोई बोले ये भाई वो सहन नहीं कर पाता, वो भाई फाइटिंग के सिचुएशन पे खुद ही फाइटिंग करने के लिए रेडी हो जाता है। अब भाई तुम लोग समझदार हो तो भाई तुम समझ चुके हो। और भाई वो बॉय सोफन के पास एक वेपन है जो भाई सोलर के इस वाले वेपन से बना है। और भाई भविष्य में वो बॉय सोफन के पास एक हवरबोर्ड भी होगा फ्रॉम द एबिलिटी ऑफ साइक्लोन। और भाई वो बॉय सोफन का सबसे खतरनाक एबिलिटी है सुपर सोलर स्टॉर्म वाला एबिलिटी जो भाई एक ही झटके में पूरे के पूरे पाक पटोगे आर्मी को डिफीट कर दिया था, जला के एकदम राख कर दिया था। तो भाई यही कुछ था आज के वीडियो में। और भाई लोग तुम लोग अगर वो बॉय गैलेक्सी इस पूरे सीरीज की कहानी को जानना चाहते हो तो भाई तुम मेरे नए चैनल के इस वाले वीडियो को देख सकते हो जो भाई काफी औसम है भाई, मैंने काफी मेहनत ठोक के लगाया हूँ इस वीडियो में। तो अब और क्या, बाय।